गुड मॉर्निंग। देखिए हम एक बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि कहा भी जाता है कि हम लोग को आज सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए हम लोग किसी को अगर सबसे ज़्यादा हम लोग अपने प्यार करते हैं तो अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो आज बच्चा का कहा जाता है कि 90% ब्रेन जीवन के 5 वर्ष में हो जाता है। कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। अगर आज बात करिएगा कोकोजी का, अगर कोकोजी का बात करिएगा तो आज के डेट में हम आप क्या करते हैं कि मेरा आपका बच्चा जब 14 वर्ष का होता है, जब देखते हैं कि उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा है, जैसे कि बहुत वह समझ नहीं पाता, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मार्केट से कोई ना कोई क्या कहते हैं कि कोई ना कोई फूड सप्लीमेंट उसको देने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको बताएंगे, देखिए कि मार्केट का जो भी फूड सप्लीमेंट देते हैं ये एश्योर आपको नहीं करता है कि इसमें केमिकल है क्या है, ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहाँ पर आपका ओरिजिनल बिल आपको नहीं मिलता। अगर ये डिएक्शन का क्या है, ये कोकोजी है, इसमें क्या है, कोकोआ का एक फल है, प्लस इसमें क्या है आपका गिनोडर्मा, मतलब किंग ऑफ द हर्ब, अगर ये नेचुरल रूप से इसमें क्या है मिलाया गया। पहला क्या है कि बच्चा का ब्रेन का विकास कहता है 5 वर्ष में हो जाता है, तो हम लोग को क्या करना है, कम से कम अपने बच्चे को 5 वर्ष कुछ ना कुछ आपको क्या करना है कि पौष्टिक आहार देना जरूरी है। आज हम लोग के पास ये जो कोकोआ है उसमें क्या है आपका, अगर सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर बात करिएगा, इसमें जो आज बच्चे का जो ब्रेन का जो विकास होता है, हम क्या बोले कि जीवन का आपका जीवन का 90% विकास कब हो जाता है, 5 वर्ष में, ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष में उसका तो ब्रेन का विकास हो जाएगा, मतलब उसके विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर बात करिएगा तो अगर ब्रेन का विकास करने के लिए तो इनर्जी हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका पोटासियम हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। अब देखिए बच्चे जब आपका छोटा रहता है तो जब ये विकास करता है तो उसके शरीर में बहुत सारा पोषक तत्व की जरूरी होता है, मगर हम लोग क्या करते हैं उस समय बच्चे में क्या करते हैं, उसको सही रूप से उसको नहीं दे पाते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि आप देखते होंगे कि असमय अभी दो वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष का बच्चा, 4 वर्ष का बच्चा, वो क्या हो रहा है, वो चल नहीं पाता है। कारण क्या है, नहीं चलने का कारण क्या है कि उसके शरीर में जो पोषक तत्व होना चाहिए वह पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाता है। आज हम लोग के पास क्या है, ये कोकोआ है प्लस इसमें गिनोडर्मा डाला हुआ है। अगर किसी भी बच्चे को अगर आप दूध के साथ, अगर आपके घर में है तो दूध के साथ कम से कम क्या करिए, कम से कम 2 टाइम मिलाइए, इसका आधा पोंच निकालिए, सुबह शाम खिलाइए। उससे क्या होगा कि बच्चा का हड्डी आपका मजबूत होगा, जिसका हाइट आपका ग्रो करेगा, तीसरा क्या होगा इसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा से ग्रोथ करेगा। आप देखिए कि जब ये बच्चा का इम्यूनिटी सिस्टम, आज क्या है कि जैसे आपका सर्दी खांसी होने का मेन कारण क्या है, आज कोई बच्चा देखते होंगे जब ये सर्दी खांसी होता तो मार्केट में हम लोग जाने के बाद क्या आता है, क्या होता है, इसका एंटीबायोटिक का उपयोग कर देते हैं, उसके चलते क्या होता है इसका इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे बच्चे को कमजोर होता है। मगर इसको कोकोजी को अगर शुरू से अगर आप खिलाते हैं, अगर 5 साल तक लगातार खिला दीजिए, क्योंकि 5 साल खिलाने के बाद क्या होगा उसका ब्रेन का जो विकास होगा वह देखने लायक होगा। क्योंकि आज हम लोग भी अपने बच्चे को खिला रहे हैं, उसका देखिएगा पहला क्या होगा, इम्यून, कोई बच्चा आपका बीमार नहीं पड़ेगा, इसका हाइट सही रूप से ग्रोथ करेगा, तीसरा इसका सबसे क्या होगा मेंटल, मान लीजिए सोचने का जो क्षमता होगा वो बहुत आगे चले जाएगा। तो अगर कोई भी आदमी, आज हर एक आदमी किसके लिए कमाते हैं, बच्चे के लिए, अगर ये कोकोजी अगर अपने घर में उपयोग करते हैं तो बहुत सारा चीज़ का आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहीं पर भी कोई आदमी मारता है तो कौन चीज़ भी मारता है, अपने बच्चे के लिए। तो हम आपको बताएंगे कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, अगर बगल में, अगल बगल जहां पर भी आपके रिलेशन में है, तो आपका दायित्व बनता है कि आपने वहां पर जाके सजेशन दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोकोजी के बारे में बताइए कि अगर बच्चे को आज सबसे ज़्यादा जो आपका बच्चा का जो बीमारी का कारण है वो जीवन के 5 वर्ष में ही हो जाता है। अभी बच्चे को देखते होंगे कि आज मान लीजिए आपका प्लस पोलियो का अभियान चलता है, बहुत सारा आपका टीका दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है उसी समय में क्या होता है उसको सबसे बड़ा बीमारी का भी खतरा रहता है। तो हम लोग आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि कुछ दीजिए नहीं दे दीजिए, बस कम से कम अपने बच्चे पर इतना आप केयर करिए कि आने वाला समय में आपका बच्चा कमज़ोर नहीं हो। क्योंकि आज मान लीजिए सबसे जो कमज़ोरी का मेन कारण है खान पान, अगर आप खान पान में अगर सुधार नहीं लाते हैं तो अपने घर में क्या करना है कि आपको कोकोजी का इस्तेमाल करवाना जरूरी है। गुड मॉर्निंग।